आपका नाम? विनोद महेश्वरी, चौक सराफा स्टेशन महामंत्री। होली बहुत करीब है, उसको लेके आपके यहाँ क्या तैयारियाँ हैं? इस बार सराफा मार्केट पूरा होली से सजा हुआ है और जो चांदी की पिचकारी, चांदी की बाल्टियाँ इस बार बाजार में काफ़ी हैं और हमारे यहाँ विशेषतर जो होली की पिचकारी और आपका बाल्टी वो बिल्कुल अलग है। इसमें आप देखिए, आपके सामने है पैकेज, इसको बनाया है कि अगर भगवान के साथ होली खेलना हो तो छोटी पिचकारी, छोटी बाल्टी चाहिए होगी, क्योंकि चांदी की जो है रेट बहुत बढ़ गए हैं, इस कारण से लोग पहले से छोटी लोग लेते हैं। इसके साथ साथ कई अन्य तरह के गिफ्ट आइटम्स हम लोगों ने चांदी की पिचकारी, बाल्टी और रंगों के अलग अलग हिसाब से बनाया है। इसमें जो चांदी की पिचकारी है वो 2000 से शुरुआत हो जाती है और 25,000-20,000 तक पिचकारी आ जाती है, और ऐसे बाल्टी में आप जाएंगे तो बाल्टी भी 3-4 हज़ार से शुरू हो जाती है, वो करीब 50,000-1,00,000 रुपये तक पिचकारी बाल्टी आ जाती है। और कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक परंपरा भी है, और इसमें एक और परंपरा जुड़ जाती है, वो है नई नई शादी जिनकी होती है उनको अपने यहाँ ससुराल में देने के लिए, ससुराल में दामाद के साथ होली खेलने के लिए चांदी की बाल्टी पिचकारी दी जाती है या वो उनको गिफ्ट में दी जा सकती है। अभी तक मतलब कितनी बाल्टियाँ या ले जा चुके हैं लोग, क्योंकि होली तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत ही करीब है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन के आसपास ही होली आ रही है। काफ़ी लोग इसमें बुक करा चुके हैं कि हम जो है होली पर इसको उठाएंगे और ये हमारी बुक कर दीजिए, तो कुल मिला के अबकी से जोश ज़्यादा है और लोगों में उत्साह है कि अबकी से चांदी की बाल्टी पिचकारी से आप होली खेलेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है और मैं चौक सराफा स्टेशन का मीडिया प्रभारी भी हूँ। होली को लेकर आपके यहाँ क्या तैयारियाँ हैं? होली अपने में एक अनूठा पर्व है और सब रंगों का एक रंग है होली, और इस बार तो होली यूपी के पूरे भारत में ही अच्छी बननी है, क्योंकि राम मंदिर अब अपने साथ है, भगवान राम घर आ गए हैं, तो होली के तो कहने जो होंगे वो इस बार होली में देखने को मिलेंगे। पर चांदी और रंगों का बहुत ही पुराना मिलन है, चांदी की बाल्टी पिचकारी जो कि शुरू से चली आ रही है, इस बार भी बहुत बढ़िया रंग बिरंगी चांदी की बाल्टी पिचकारी भी आई हैं, नागद्वारे से आई हैं, बॉम्बे से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, जो कि लोग नई शादियां जहां पे होती हैं वो पहली शादी में लोग देते भी हैं, और इस बार भी काफ़ी लोगों ने परचेज़ करी है। लगभग आपके हिसाब से कितनी पिचकारियां लोगों ने परचेज़ कर ली, क्योंकि होली तो अब तो 4-5 दिन ही है? हाँ, 4-5 दिन है, पर लोगों ने पहले से भी ऑर्डर लगा रखे थे, लेके 50,000 से लेके 70,000 रुपये तक में बाल्टी पिचकारी बिकी हैं, और इस बार क्वांटम बढ़िया रहा, 15-20 लोगों ने तो हमारे वहाँ से खरीदी हैं। इसी तरह हर सराफे वालों के वहाँ कोई ना कोई अपने व्यवहार, अपने परिचय से अपने लोगों ने लिया है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया क्वांटम आएगा बाल्टी पिचकारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।